हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूं आपकी स्वाति एंड आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्योंकि पहली बार मैंने bangoo.com से कुछ शॉपिंग करी है। ओनली 5 आइटम मैं दिखाने वाली हूं, लेकिन 5 वो आइटम है बहुत ही ज़बरदस्त है आपके होम एंड किचन के लिए। एंड ये आइटम्स आपके घर को, आपके किचन को बहुत खूबसूरत बना देंगे। एंड द प्रोडक्ट्स विच आई एम गोइंग टू शो यू नाउ, दोज आर मल्टीपर्पज ऑल्सो, फ्यू ऑफ देम। चलिए शुरू करती हूँ आपको आइटम्स दिखाना। एंड एक आइटम तो इतना बड़ा है कि कैमरा के फ्रेम में भी पूरा नहीं आएगा। एक्चुअली मैंने असेंबल किया है उसको, एंड दैट्स अ रैक विच यू कैन ऑर्गेनाइज इन योर किचन और अदरवाइज ऑल्सो मल्टीपर्पज, जहां आपका मन करता है वहां पे आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला आइटम है दिस वन। सो देखा आपने, इतना बड़ा ये आइटम है। एंड ये असेंबल करना बस 2 मिनट का काम है, कोई स्क्रू नहीं कुछ नहीं, बस रखते जाओ एंड इसको ऐसे दबाते जाओ, अच्छी तरह लॉक हो जाता है। एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो मैंने कहाँ से परचेज किया है वो मैंने आपको बता ही दिया है, bangoo.com से। तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। एंड इसमें देखिए नीचे व्हील्स लगी हुई है, एकदम स्लीक सा है। देखिए इसका जो क्या बोलते हैं विड्थ इतना है एंड लेंथ तो काफ़ी अच्छी है। एंड इसके जो बास्केट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत ही स्ट्रांग है। जनरली आपको लोकल बाजार में ऐसे मिल जाते हैं लेकिन वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं बिकॉज उनकी फिटिंग जॉइंट स्क्रू के हिसाब से रहती है, वो ढीले होते रहते हैं। उसके बाद जो है ये इतना स्टडी जो दिख रहा है आपको ऐसे ऐसे हिलता रहता है, लेकिन इसमें स्क्रू वाला कोई टेंशन ही नहीं है। ऊपर से नीचे तक एक भी स्क्रू नहीं है इसमें, बहुत ही इजिली फिट हो जाता है। मैं आपको अगर चाहते हो तो मैं इसका असेंबल करके आपको वीडियो दिखाऊंगी कैसे असेंबल करना है, कैसे खोलना है। वेरी इजी टू यूज एंड आप इसमें अपने किचन के स्पाइसेस भी रख सकते हैं, जो बॉटल्स होती है अगर आपके किचन में कहीं स्पेस है छोटा सा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं लेगा ये, बहुत कम स्पेस लेगा। तो कहीं पे भी आप इसको आराम से रख के अपने किचन में जो बॉटल्स रहते हैं स्पाइस के बॉटल या कोई और बॉटल सॉस बॉटल, वो सब कुछ इसमें रख के फ्रिज के साइड में भी रख सकते हो, तो काफी यूजफुल है। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसके बाद आते हैं ये कैप्स, जिसमें है मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 कैप्स टाइप के हैं। क्योंकि क्या होता है फ्रिज में जब भी आप कुछ रखते हो उसके लिए उसके साइज की प्लेट ढूंढनी पड़ती है, ये लेकिन ये जो है सिलिकॉन का है, आप किसी भी बर्तन पे ऐसे लगा देंगे तो पूरा पैक हो जाएगा एंड उसके बाद बिल्कुल गिरेगा भी नहीं, पूरा लॉक हो जाएगा वो। तो मैं आपको इसका छोटा सा डेमो भी दिखा देती हूँ। तो ये मैं एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लेके आई हूँ, किसी भी ग्लास के ऊपर मतलब जिस पे ये कवर फिट आ जाए। तो अलग अलग साइजेस में है, 6 साइजेस है, सबसे बड़ा वाला आपको दिख ही रहा है, तो आपके भगोने के हिसाब से आप उसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसको लगा देना है एंड सी इट इज कम्प्लीटली पैक एंड अब पानी नहीं गिरेगा, देख रहे हैं आप। तो भर के भी ले सकते हैं, मैं तो फटाफट जाके लेके आई इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। एंड देखने में बहुत क्यूट है एंड कम्प्लीटली पैक हो जाते हैं, आप देखो नहीं गिरने वाला। सो इट्स दैट सिक्योर। आप फ्रिज में रखते हो, अगर आपने ग्लास में भर के कभी कुछ रखा है, कोई जूस टाइप का रखा है एंड आपको लगता है कि बच्चे अगर निकालेंगे तो ग्लास गिर जाएगा तो वो बह जाएगा, तब आप इसको ऐसे कैप्स यूज कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये पूरा सिलिकॉन का है तो अच्छी तरह स्टिक हो जाता है, बिल्कुल नीचे नहीं आएगा ये। सो इट्स वेरी गुड, इट्स लुकिंग लाइक अ डब्बा नाउ। सी ऐसे भी करो तो भी पानी बाहर नहीं आएगा। इसको निकालना है तो बस निकालना भी बहुत ईजी है लेकिन पानी नहीं गिरता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। ये देखिए ये पूरे 6 साइजेस में है। तो आपके फ्रिज में आप कोई भी आइटम रखो, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, आप हर एक पे कैप लगा सकते हो। खाना बनाने के बाद भी आपको ढकने के लिए भी ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। गाना भी खाना भी एकदम पैक रहेगा एंड गर्म रहेगा एंड कोई भी इंसेक्ट्स नहीं गिरेंगे, सेफ रहेगा। एंड द थर्ड आइटम इज दिस इज अ ब्लेंडर, जो आप मल्टीपर्पसली यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी टाइम से मैं लेने का सोच रही थी तो मैंने फाइनली बैंगलोर से ले लिया। मैं इसको दिखाती हूँ आपको, ऐसे इसके साथ ये बीटर दिए हुए हैं एंड फिट करके ऑन करना भी बहुत ईजी है। इससे आप आटा भी गूंद सकते हैं एंड सी दिस इज द साइज ऑफ द बीटर। सो यहाँ पे स्पीड दे रखी है, ऐसे ऊपर करेंगे तो स्पीड होता रहेगा ऐसे। एंड ये रहा इसका प्लग पॉइंट एंड यहाँ पे ये जो दिया है इसमें खाली इसको ऐसे फिट करना है, बस अंदर पुश करते ही टक जैसी आवाज आएगी एंड हो गया होता। सो देखिए ऐसे लग चुका है। तो इस ब्लेंडर के साथ ये 4 अटैचमेंट आई है, इससे लस्सी बनाना लस्सी बनाओ, केक अगर केक का बैटर मिक्स करना है वो बना सकते हो, आटा गूंदना है आटा भी गूंद सकते हो। उसके बाद घर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली एक और चीज़, दैट इज दिस हैंड मशीन, है ना, बहुत ही मिनी
एंड अफोर्डेबल एंड पोर्टेबल कह सकते हैं। एंड कुछ भी आप सिलना चाहते हैं इसे आराम से सिल सकते हैं, कुछ भी फट गया है तो भी सिल सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि बहुत आप एक्सपर्ट हो चुके हो सिलाई में, तो आप बड़ी बड़ी चीज़ें भी इसी से कर सकते हैं। कोई पर्दे अगर फट गए हैं, कुछ निकल गया है, तो हम क्या करते हैं उनको निकाल के सिलते हैं, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप खड़े खड़े वहाँ पे फोल्ड करके इससे ऐसे स्टिच लगा सकते हैं, सो इट्स दैट कन्वीनियंट। तो मैंने ये एक लिया है, क्योंकि घर में काफ़ी टाइम जो है कुछ ना कुछ चीज़ें जो है, नई ड्रेस हो गई या कोई भी होगा, कुछ चर हो ही जाती है, तो उस चर को अगर फिक्स करना है तो इस वाली चीज़ की ज़रूरत है। तो दिस इज़ अ मिनी पोर्टेबल स्विंग मशीन, बहुत ही अच्छी स्टिच आती है इसके ऊपर। देखिए स्टिच भी ये करा हुआ है, देखिए कितनी अच्छी तरह स्टिच आई हुई है आगे एंड पीछे दोनों साइड भी। अगर आपको इसका भी सेपरेट वीडियो चाहिए मुझे बताइएगा, इसमें धागा कैसे डालते हैं, पूरा कनेक्ट कैसे करते हैं एंड सिलते कैसे हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। एंड उसके बाद कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि जब भी मैं नेल पॉलिश लगाती हूँ, देख रहे हो मेरी हालों की आदत क्या निकल रहा है, तो ये जो नेल पॉलिश है मैं एक बार लगाती हूँ तो दूसरी निकालती नहीं हूँ, क्योंकि दोबारा जब लगाएंगे उसको सूखने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा करके। मैंने वो भी ट्राई किया था आइस वाले वाटर में रख के करना, बट कहीं जब जा रहे होते तो किचन में जाके फिर आइस निकालो, वो भी बड़ा झंझट सा लगता है। एंड मैंने आपको बोला भी था तब कि मैं एक मशीन लेना ही चाह रही हूँ जिससे नेल पेंट बहुत आसानी से सूख जाता है। सो दिस इज़ वन इग्लू, आपको बस इसको पॉइंट पर लगाना है। ये देखिए ये इसका पॉइंट है, जैसे आप नेल पेंट लगा लेते हैं बस इसके नीचे लाइट्स जलेगी, जिसपे कुछ बोलते हैं उस लाइट्स को, यूवी लाइट्स है कौन सी लाइट्स है पता नहीं, उसके नीचे आप ऐसे रखेंगे तो आपकी नेल पेंट जो है फट धट सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी। एंड आप तुरंत तुरंत कितने कोट भी लगा लो और सुखाओ लगाओ सुखाओ। सो ये पांच चीज़ें मैंने ली है bango.com से। एंड आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, ज़बरदस्त है ना, काम आने वाली चीज़ें हैं। तो ये पांचों आइटम्स मैंने लिए हैं, पांचों के लिंक्स मैंने नीचे दिए हैं, उसके अलावा उसके साथ क्या क्या डिस्काउंट चल रहा है वो भी अलॉन्ग विद द कूपन कोड। अगर आपको इसमें से कोई भी आइटम यूजफुल लगा है तो आप पक्का एक बार ट्राई दीजिए। तो bango.com से मैंने कैसे परचेज किया उसकी छोटी सी क्लिपिंग मैंने निकाली है, वो भी आप देख लीजिए। सो ये देखिए, ये है bango.com की वेबसाइट है, ये इसका ऐप नहीं है, तो आप सीधा वेबसाइट को ओपन करके उसमें से शॉपिंग कर सकते हैं। एंड डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है हर एक आइटम्स की, जैसे होम एंड डेकोरेशन का एक आइटम हो गया, एंड अभी जैसे कि आप देख रहे हैं ये फ्लावर्स है, और जो टेक्निकल चीज़ें हों उनका अलग है, ये जैसे लाइटिंग्स है। एंड यहाँ पर हर तरह के कैमरास आपको मिल जाएंगे, मतलब बहुत महंगे महंगे कैमरा भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। एंड उसके बाद वाईफाई के राउटर्स, देन आपके हेडफोन्स पे रखने के लिए वो सारी चीज़ें, एंड बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स। और मैं तो आपको पांच चीज़ें दिखा ही चुकी हूँ, उससे आपको पता लग ही गया होगा कि कितनी सारी वैरायटीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी, एंड कंपैरेटिवली आपको कम रेट में भी मिलेगी बाकी ऑनलाइन शॉपिंग की साइट्स के मुकाबले अगर आप ट्राई करें। उसके बाद आपको यहाँ पे, मतलब आपको अपने दिन प्रतिदिन में जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारे आइटम्स आपको यहाँ मिलेंगे। सो मैंने सो बहुत सारे आइटम्स ऐसे देख देख के छांट के ये पांच आइटम्स लिए थे। ये देखिए, ये डेकोर के लिए काफ़ी काम आता है, आपके पास जो गमला होता है उसके अंदर आप रखेंगे तो आप अपने हॉल को एक अलग ही लुक दे देंगे। सेजल ने अपने नए घर में सेम ऐसा ही वाला रखा था तो वो मुझे बहुत पसंद आया था, बट मेरे घर में अभी कोई खाली जगह बची नहीं है कि मैं कहीं प्लेस कर पाऊँ, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो एक ये है, जो आइटम्स आपको पसंद आ रहे हैं वो एक एक आप कार्ट में डाल सकते हैं। एंड पेमेंट ऑप्शन के लिए भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, एंड जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कलर्स के जो भी ऑप्शन होते हैं या साइजेस के जो भी ऑप्शन होते हैं सारे मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप कर देना है पूरा अच्छी तरह से A to Z। एंड उसके बाद जैसे कि आप कॉस्ट भी देख ही रहे हैं, बहुत सारे आइटम्स ऐड करने के बावजूद जो है बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं हुआ है, एंड पेमेंट के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो आई होप सब कुछ बहुत ही सिंपल है। अगर आप गेस्ट की तरह परचेज करके जाना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं, अगर रजिस्टर करेंगे तो आपको जो भी ऑफर्स आते रहेंगे वो भी आपको उनके पॉपअप्स आएंगे अगर आप एक्टिवेट करते हैं नोटिफिकेशन, तो आपको बेटर रहेगा। एंड जो कूपन कोड्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं वो कूपन कोड अभी जहाँ पे मैं डाल रही हूँ वहाँ पे आप डालेंगे तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। सो कूपन कोड एंड ऑल द डिटेल्स किसके ऊपर कितना ऑफ है आप देख सकते हैं, इट्स दैट सिंपल। तो था ना बहुत सिंपल, राइट? मैंने आपको ये पांच चीज़ें जो आपके घर को, आपके किचन को ऑर्गेनाइज एंड यूजफुल बनाएगी, ये सारी चीज़ें अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर एक ट्राई दे सकते हैं। तो मैंने सब सारी डिटेल्स इन प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है,
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर चिपका दीजिएगा एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए. आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.